पांच राज्यों के एग्जिट पोल से जहां भाजपा को करारा झटका लगा है, तो वहीं कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई है। नतीजों से पहले इस सर्वे ने कांग्रेस को जीत के लिए आश्वस्त कर दिया है। अब 11 दिसंबर को नतीजे भले ही कुछ और हो, लेकिन इसके पहले विपक्षी दलों को इसके बहाने ताकतवर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का मौका मिल गया है और वे परिणाम आने से पहले 10 दिसंबर को दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहीं 11 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि विपक्षी दल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार पर हमलावर हो सकते हैं। खास बात यह है कि इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। वहीं विपक्षी दलों की इस बैठक में तेलुगु देशम पार्टी को भी शामिल होने का न्योता दिया गया है। इस बैठक में 19 दलों के नेताओं के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। एग्जिट पोल के अनुसार लोकसभा चुनाव से पूर्व सेमीफाइनल माने जा रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बाजी कांग्रेस के हाथों में जाती दिख रही है। वहीं भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को अपना कुनबा बचाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, तो राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से कहीं बहुत आगे निकलती दिखाई दे रही है, तो वहीं तेलंगाना में टीआरएस की ही सत्ता बरकरार रहने की उम्मीद नजर आ रही है। और अगर बात करें मिजोरम के एग्जिट पोल की, तो उत्तर पूर्व में कांग्रेस का आखिरी किला ढह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।